हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू डे 25 के लिए आज कुछ चीज़ें बतानी हैं आपको। उससे पहले बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि मैम एडमिट कार्ड कब तक आएगा। 31st से जो है इंटरव्यू के शेड्यूल जो हैं, आपको पता है कि जो आपका टाइम टेबल आया था यूपी ट्रिपल एसी के थ्रू, उसमें जो है अलॉटेड था आपको कि 31st से प्रस्तावित है। ठीक है, आज आपका 25th हो चुका है। अगर आज या कल में एडमिट कार्ड नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है 31st से होना, लेकिन एक दो दिन हम वेट कर सकते हैं और बिल्कुल वेट करेंगे। एक दो दिन जो है हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड जो है आज या कल में जारी कर दिए जाए। ठीक है, 31st से अगर इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा तो ज़रूर से आज या कल में आपके जो है एडमिट कार्ड्स जो हैं इंटरव्यू के जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए, बिकॉज अगर 31st से नहीं होता है तो हो सकता है एक दो हफ्ते डिले हो जाए आपका, लेकिन इंटरव्यू तो होना ही है, तो प्रिपरेशन करते रहें अपनी। ठीक है, द सेकेंड वन थिंग इज़ कि पीटी का पेपर हो चुका है। आई होप कि आप सब ने जो है अच्छी पेपर करे होंगे। पेपर ठीक ठाक सा आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हार्ड भी नहीं कह सकते हो, बहुत ईजी भी नहीं कह सकते हो। कुछ थोड़े से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे, DI काफ़ी अच्छे लेवल की थी। ठीक है, लेकिन DI में जो बच्चों ने जो है एकदम अच्छे से उसे पढ़कर किया होगा, वो DI उनसे बनी होगी बिल्कुल। और रही बात स्टैटिक GK की, तो वो अच्छा आया था, हिंदी अच्छा आया था, इंग्लिश भी सही आई थी। ठीक है, करंट के क्वेश्चन जो है बहुत बैक से नहीं दिए गए थे, ठीक ठाक से दिए गए थे, मॉडरेट लेवल के थे। और साइंस भी ठीक थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो देख सकते हो कि मॉडरेट लेवल का जो है PET का पेपर था। ठीक है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो कट ऑफ बहुत सारे बच्चों लोग बता रहे हैं कि 80 है, 90 है, इतना गया, तो 80 और 90 वालों से कभी कट ऑफ नहीं बनेगी। तो जितना भी आपका है बेफिक्र रहें। ठीक है, और रिजल्ट इसका जब भी आएगा तो देखा जाएगा इसमें आगे क्या होता है। तो चूँकि हमें करना है डे 25 की क्लास में आज, तो कुछ चीज़ें मैंने नोट करी हुई हैं, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, 16th of August अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि। ठीक है, 16 अगस्त जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, और 16 अगस्त 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, रिसेंट की न्यूज़ है। 16 अगस्त 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, भारत के 3 बार प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। जन्म स्थान इनका ग्वालियर मध्य प्रदेश है। कार्य इन्होंने क्या क्या किया, यानी कि इनके समय में जब ये थे सत्ता में तो उस समय क्या क्या कार्य हुए, इन्होंने इनके द्वारा जो है कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनके द्वारा, जब ये सत्ता में थे उस समय, जब इनकी सरकार थी उस समय, ठीक है, कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बहुत फेमस है। ठीक है, हर जगहों को जो है इन्होंने सड़कों से जोड़ा है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, इनके समय में ही सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी के बाद से इनके समय जो है सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है। ठीक है ना, किस देश ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने एक नया जो है उपयोग किया है कोविड टेस्ट को करने का, किससे, पेंसिल लेड के उपयोग से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है संस्कृत सप्ताह दिवस। ठीक है, संस्कृत सप्ताह दिवस 2021 ये 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक मनाया जा रहा है। आज आपका 25 अगस्त है, तो ये 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक मनाया जा रहा है संस्कृत सप्ताह दिवस। नेक्स्ट है अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है, तो अफगानिस्तान देश का नया नाम रखा गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इस समय अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो भी संबंध हैं, इनके बीच में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, अफगानिस्तान तालिबान का क्या संबंध है। ठीक है, तालिबानियों ने क्यों उस पर जो है हमला करके जो है सारी चीज़ों को कब्जे में कर लिया है अपने, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से देखेंगे कि वर्तमान में क्यों ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है।
ठीक है। और साथ ही में अफगानिस्तान का जो नया नाम रखा गया है ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, ठीक है, और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में इनको जो है वो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, ठीक है। कल्याण सिंह के विषय में याद रखिएगा, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 21 अगस्त 2021 को, 89 ईयर्स के ये थे तब, ठीक है। 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 21 अगस्त 2021 को हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार ये, और राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी आसीन थे पहले ये, ठीक है। इनका उपनाम बाबूजी, इन्हें कहा जाता है बाबूजी कल्याण सिंह, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है बाबूजी कल्याण सिंह, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा? 594 किलोमीटर याद रखिएगा, तो ये बनने जा रहा है प्रयागराज से मेरठ के बीच, ठीक है, ये बनने जा रहा है प्रयागराज से मेरठ के बीच। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आपको ये चीज़ें पता होंगी। न्यूज़पेपर में अभी कुछ दिन पहले जो है ये दिया हुआ था कि मिशन शक्ति का तीसरा चरण जो है स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या है इसमें, 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा उत्कृष्ट कार्यों हेतु, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खाते में 30.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, ठीक है ना। कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खाते में 30.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। नेक्स्ट है आपका निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 29.68 लाख महिलाओं के खाते में 451 करोड़ हस्तांतरित करे हैं, 451 करोड़ हस्तांतरित करे हैं। और यहाँ पे 1 लाख नए, यहाँ पे नए इंक्लूड कर लेना, 1 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हैं, बस आप याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद कर सकते हो तो एक मतलब एक नज़र देख लीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत इस बारे में पूछा जाए तो आप वहाँ पे बता सको। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो एक थाली एक तरकारी यानी कि एक थाली एक सब्जी योजना स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। और ये आपका जो है योजना है क्या, एक थाली एक तरकारी योजना, इसके अंतर्गत किसानों को पौष्टिक सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे शहर के लोगों को ताज़ा और कम दाम में सब्जी उपलब्ध हो सके। योजना के तहत जो आपके BPL धारक किसान हैं उनको मुफ्त बीज और पौधे भी दिए जाएंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो ये आपका जो है एक थाली एक तरकारी योजना के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मेनली जो है किसानों को पौष्टिक सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उन्हें उत्साहित किया जाएगा जिससे जो है शहर के लोगों को कम दाम में और फ्रेश सब्जियां जो है वो मिल सके, ठीक है। और इसके लिए जो किसान हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है, या फिर वो BPL धारक हैं, तो उनको जो है मुफ्त में पौधे और बीज जो है उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे किसानों की भी आय में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उनको ज़रूर कवर अप करें, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है COVID-19 के विभिन्न टीकों को विकसित करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, स्पुतनिक वी गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और एंटीबॉडी कॉकटेल रोशे के द्वारा, ठीक है, देख लीजिएगा चारों को ध्यान से। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, स्पुतनिक वी गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और एंटीबॉडी कॉकटेल रोशे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो राज्य हैं देश के वहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय है। तो 6 हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह के कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है, और इसके साथ ही और भी कुछ छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है ATM का फुल फॉर्म, FIR का फुल फॉर्म, और कुछ इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जैसे पुलिस के हैं, महिला हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, FIR है, एम्बुलेंस है,
ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं आपको याद रखने हैं, और इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे आपके वहाँ कौन सा न्यूज़पेपर आता है, तो उसका प्रकाशन कहाँ से होता है, ठीक है, संपादक कौन है, ये सब चीज़ें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। पीटी का पेपर हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे बहुत हल्के में पूछे गए, उन क्वेश्चंस को भी देख करके जाइएगा, वो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे और अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और एक क्लास केमिस्ट्री की है वो आपको जल्दी मिल जाएगी, फिजिक्स की प्रोवाइड करा चुकी हूँ, केमिस्ट्री की क्लास आपको एक जल्दी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़िए, और इसी तरह से चीज़ें और भी खोज खोज के अपने जगह की जो चीज़ें हैं आप उनको पढ़ते रहिए, जिससे कि जो है आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। कोई भी चीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं पूछी जाएगी, अभी तक जितने लोगों का एक्सपीरियंस है, जितने बच्चे जो हैं स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हुए हैं और उन लोगों ने इस तरह से ही पढ़ाई की थी और काफ़ी अच्छे उनके इंटरव्यूज़ गए थे, तो जो चीज़ें बता दी गई हैं पहले उन्हें आप देख लें, और उसके साथ ही जो है अलग से जो है अपनी जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि नहीं ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको आप पढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।